कोडरमा थाना क्षेत्र के जलवाबाद में एक निजी घर में लगभग 22 बाहर से आए मुस्लिम धर्मावलंबियों के लोग छिपे होने की सूचना पर एसडीओ विजय वर्मा, एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद व थाना प्रभारी द्वारिका राम ने 15 पश्चिम बंगाल के लोगों को बरामद किया। सभी धार्मिक जमात को लेकर गांव-गांव घूमकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, परंतु देश में फैले नोवेल कोरोना वायरस से लोग जहाँ क्षेत्र के लोग सहमे लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हैं, वहीं बाहर प्रदेशों से आए कुछ लोगों के शरणार्थी होने की बात को लेकर पूरे जिले में चर्चाएं आग की तरह फैल गई, जिसे लेकर कोडरमा प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए जलवाबाद स्थित मक्का मस्जिद में होने की सूचना मिलने पर सुबह लगभग 8 बजे छापा मारा, जहाँ उक्त लोग नहीं पाए गए और प्रशासन वापस चली गई, परंतु बाद में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पुनः जलवाबाद पहुंची, जहां एक निजी घर में छापा मारकर बाहर से आए 15 लोगों को पाया, जिसे प्रशासन अपने कब्जे में लेकर क्वारंटाइन सुविधा के अंदर भेज दिया, जहां जांच कर 14 दिनों तक लॉकडाउन में रखा जाएगा। ठहरे कुछ दिन और फिर हमारा जलवाबाद में भी ठहरे, रसनाबाद में भी ठहरे हैं, इसलिए कई जगहों पर ठहरे हैं। इसका डिटेल एसडीपीओ साहब लिखे हुए हैं पूरा का पूरा, तो इनका पूरा पता भी है, है ना। हम लोग को जैसे पता चला, हम लोग जलवाबाद जा करके उसका खोजबीन किए, तो शुरू में तो लोग वहाँ के लोग जो है सहयोग नहीं किए, बोले कि इधर कोई नहीं आया है। हम लोग मस्जिद भी देखे, मस्जिद में भी कोई नहीं था, लेकिन फिर विश्वास सूत्रों से पता चला कि नहीं, यहीं पर है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग पुनः जो है वहाँ पर पता लगाने के बाद थोड़ा देर के बाद वापस गए, पता चला इन लोग सब मैदान में इधर हैं, यानी इनको निकाल दिया गया होगा। अच्छा। तो ये लेकर के हम लोग इसको क्वारंटाइन में रखने के लिए ले आए हैं।